मैं कभी बायोएंजाइम के लिए बोलती हूँ, कभी डिकम्पोजर के लिए बोलती हूँ, कभी किचन वेस्ट के लिए बोलती हूँ, कभी लीव कंपोस्ट के लिए बोलती हूँ, कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए बोलती हूँ, कभी सॉलिड खाद के लिए बोलती हूँ। लेकिन देखिए, सारी ही चीज़ें नेचुरल हैं, सारी चीज़ें जो है प्रकृति से मिली हुई हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम उपयोग में लाते हैं। और मेरे टेरिस पर जो भी प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ का यही कारण है। आज अगेन एक चीज़ शेयर कर देती हूँ आपके साथ में, मैं डिकम्पोजर क्यों उपयोग में लाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि मैं किचन वेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लीव्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और उनका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है डिकम्पोजर से बहुत फास्ट हो जाता है। देखिए, बनाया तो ये किसानों के लिए किया था, क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा वेस्ट जो होता है, जो कि वो जलाया करते थे, उसको डिकम्पोज फटाफट से हो जाए वो और खेतों को कार्बन मिल जाए, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन अभी वो अर्बन गार्डनर्स के लिए भी वरदान साबित हुआ है। मैंने दो बोतल मंगाई थी, उसमें से एक ही बोतल मैंने अभी तक यूज़ की है और पिछले 1.5 साल से वही मल्टीप्लाई हो रही है। इतनी अच्छी क्वालिटी का था, बहुत अच्छे से चल रहा है। इस पर मैंने वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है कि मैं कहाँ से लिया था मैंने। अगर आपके आसपास किसी के पास है तो आप थोड़ा सा उससे ले लीजिए। आपको अगर 100 ml में मिल गया ना तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो आज देखिए, मैं खाली डिकम्पोजर, इसमें कोई मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं मिलाया है, ओनली डिकम्पोजर ही यूज़ कर रही हूँ। पानी देते टाइम, पौधों में जब पानी लगा रही हूँ, तो मैं 50-50 का रेशियो रखती हूँ, 50% डिकम्पोजर, 50% पानी, और सारे प्लांट्स को लगा दे रही हूँ। इससे क्या होता है, जो भी मटेरियल मैं अपने पौधों में भरती हूँ, किचन वेस्ट और जो लीव्स वगैरह भरती हूँ और उसमें पौधा लगाती हूँ, तो जो भरा हुआ मटेरियल होता है वो फटाफट से डिकम्पोज्ड हो जाता है और पौधे को न्यूट्रिशन मिलने लग जाता है रेडी फॉर्म में। इसलिए मैं महीने में कोशिश करती हूँ एक बार इसको यूज़ कर लूँ, क्योंकि और मैं लिक्विड्स यूज़ करती रहती हूँ। और इस जब बैच को बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, देखिए 2 लीटर की बोतल मेरी एवरी टाइम भरी हुई रखी रहती है। जब नेक्स्ट बैच बनाना होता है, इसी में से थोड़ा सा डालती हूँ, गुड़ डालती हूँ 100 ग्राम, ये 20 लीटर की बाल्टी है, और इसकी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाला, डिकम्पोजर डाला, और वो एकदम से पानी भर के रख दिया। 3 से 4 दिन में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिकम्पोजर रेडी हो जाता है। और सबसे अच्छी जो चीज़ रहती है इसकी, ये रहती है कि इसके अंदर कोई भी पील डालिए, कोई भी सब्जी का छिलका डालिए, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते टाइम जब हम इसमें मिक्स करके बनाते हैं तो स्मेल नहीं आती है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। 21 दिन तक भी रखकर आपका जो मटेरियल है वो एकदम से बढ़िया रखा रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ कि इस चीज़ को मंगा लीजिएगा, बहुत बढ़िया काम करता है अपनी किचन गार्डनिंग में या टेरिस गार्डनिंग में। आज मैं डाल रही हूँ, और इसको सबसे अच्छी चीज़ है, हम पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी मिट्टी में तो डाल ही सकते हैं, साथ ही साथ स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर जो भी हम नीम की पत्तियाँ वगैरह जो है मिक्स करके रखें तो वो एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप आसपास के किसी एरिया से, किसी किसान भाई से ले लीजिए, किसी गार्डनर से ले लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाएंगे तो ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिनसे भी मैं लेती हूँ, और आप इजीली ले सकते हैं। और ये डिकम्पोजर मैं अपने सारे पौधों पर डालती हूँ, मतलब टेरिस पर। इस चीज़ को डालने में मैं किसी में वो नहीं है मुझे टेंशन। मैं जो मेरे पास एडेनियम की छोटी छोटी सी पौधे हैं, मैं उनमें भी डालती हूँ, कैक्टस में भी डाल देती हूँ, जेड प्लांट में भी डालती हूँ, और फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों में तो मैं डालती ही डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है अर्बन गार्डनर्स को अपने यहाँ पर लाकर ज़रूर रखनी चाहिए। वैसे तो देखिए, बायोएंजाइम बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। कोई भी चीज़ जो 2 महीने में हो रही होती है वो 1 महीने में ही हो जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है। तो मर्जी आपकी है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी ये चीज़, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही नेचुरल हैं। और आपको पता है, डिकम्पोजर जो बनता है वो गाय के गोबर और गौमूत्र में से जो भी अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनसे बनता है, और बहुत ही कमाल का वर्क कर रहा है पिछले 2 साल से मेरे टेरेस पर। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने शेयर किया है कि क्या क्या मैजिक कर सकता है ये भी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।